स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउज़ैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। किसमें कितना है दम, अब दिल्ली और कलकत्ता के मैच में आज पता चल ही जाएगा। सबसे पहले मैं ऐसे थोड़े से पीछे आके दिल्ली के साथ खड़े हो जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली का लोगो जहाँ पे, और आज तो कलर मैच भी है। मैं भी फिर एक कदम पीछे आ जाता हूँ और मेरे दिल के करीब वाली टीम कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे दिल के, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज केकेआर के साथ हूँ। हाँ, ठीक है, क्योंकि सेकंड लेग में जिस तरह मेरी टीम ने परफॉर्म किया है, आपकी टीम के सेकंड लेग में आपकी टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, वो क्या एलिमिनेटर में बाहर हो गई है जिस तरीके से आपकी टीम ने परफॉर्म किया है। एलिमिनेटर में बाहर क्या हो गई? अरे आपकी जो टीम थी, आपकी जो एक्चुअल टीम थी, वो तो बाहर हो गई थी। ठीक है, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज मेरे करीब, अब देखो दिल के करीब होना हो, मतलब मेरे करीब जो टीम है वो केकेआर है। आज मतलब दुनिया वाकई में गोल है, जिस टीम ने आपकी पसंदीदा टीम को हराया आज आप उसी के साथ खड़े हैं। कोई ये तो है, लेकिन फिर भी जिस तरह के, मैं क्रिकेट पे आ जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल, वो ठीक है, बाकी मुद्दे ठीक है, दिल के करीब कौन सी है और मेरे करीब कौन सी है और मेरे से दूर कौन सी है। तो मैं केकेआर की बात कर लूँ, केकेआर ने सेकंड लेग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर चेन्नई के बाद कोई टीम डोमिनेटिंग दिखी है सेकंड लेग में, इस यूएई लेग में केकेआर है वाकई, तो मैं उस लिहाज से कहूंगा। हालांकि मेरी टीम को बाहर किया इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं आज इनको ही बैक करूंगा। लेकिन नहीं, बैक करने वाली बात है, जो है फिलहाल आंकड़े, तो फिलहाल 27 मैच अगर खेले हैं तो 15 कलकत्ता ने जीते भी हैं, ये तो बड़ा नंबर है, और 11 दिल्ली ने जीते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मार्जिन है, पर फिर भी ये 11 की जगह 12 हो सकता है। ये जो नो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये टाइट मुकाबला है, टाइम जो सुपर ओवर में दिल्ली के हाथ लगा था। तो 15 और 12 का मुकाबला है, 15 बार जो बाजी है वो केकेआर यानी मेरी टीम के हाथ में लगी है, 12 बार जो है दिल्ली अनुज की टीम यानी दिल्ली जीती है। अब पॉइंट्स खैर, अब इस समय पे कोई मैटर नहीं करते, समय पे आके पॉइंट्स मैटर नहीं करते, प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुकी हैं ये दोनों टीमें, और केकेआर तो आरसीबी को बाहर भी कर चुकी है, तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता पॉइंट्स मैटर करते। अब जो नॉकआउट मुकाबले हैं, अगर आप जीतते हैं तो आप फाइनल खेलेंगे, हारेंगे तो आपका बाहर सफर खत्म हो जाएगा। की मैचअप पे अगर चलें, देखें कि कौन सा खिलाड़ी होंगे, कौन चार विकेट पिछले मैच में चार विकेट, सबसे और पहले जो किनके विकेट ट्रंप कार्ड हैं वो मेरे सुनील नारायण आ गए, और आपके जो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ अगर रनों की बात करें तो सिर्फ 69 रन है, दो बार डिसमिस किया है, स्ट्राइक रेट ज्यादा खास नहीं है। स्ट्राइक रेट शिखर धवन का जनरली यही होता है, लेकिन एवरेज ठीक है, एवरेज ठीक है, तो वही है कि रन बनाते हैं बट विकेट मिल भी जाता है, मतलब वो है कि उन पे लगाम लगा देते हैं, फिर वो बहुत तेजी से लगाते 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 विकेट चटक ही जाता है। और आज भी हो सकता है, आज ये जो पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस इनका रहा है, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, उसके बाद में शिखर भरत, शारजाह में खासकर जिस तरह के विकेट है उनको, इनको सपोर्ट मिल रहा है और खतरनाक होंगे मैं कहूंगा दिल्ली के लिए। दूसरी स्लाइड में अगर चलें तो देखें श्रेयस अय्यर वर्सेस आंद्रे रसल, लेकिन अब बात यही है कि आज ये खेलते हैं या नहीं, अगर खेले तब तो नंबर बड़े जबरदस्त हैं, खेलेंगे तो नंबर जबरदस्त है। आंद्रे रसल का स्ट्रेचर ही ऐसा है, मतलब जिस तरह के ये T20 में इनकी इनका स्ट्रेचर है, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, हर डिपार्टमेंट में ये अपनी छाप छोड़ते हैं, तो जो रिकॉर्ड है पुराने जो आंकड़े हैं, आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसकी बात नहीं कर रहे, अगर आज खेलते हैं तो ये आंकड़े ज़रूर श्रेयस अय्यर के दिमाग में आएंगे जब भी इनके सामने आएंगे। तो रन सिर्फ दिए हैं इन्होंने 63, 5 बार आउट किया है श्रेयस अय्यर को, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 12 का आ जाता है, तो मतलब श्रेयस अय्यर को रोकने के लिए अगर खेलते हैं तो कप्तान जो है वो आंद्रे रसल का साथ जा सकते हैं अगर आज आंद्रे रसल खेलते हैं। और ये देखते हुए कि श्रेयस अय्यर इस सीजन में रन बना रहे हैं दिल्ली की तरफ से, एक अच्छा बैकबोन, ये मैचअप अच्छा होगा, अगर कॉन्टेस्ट अच्छा होगा। दूसरे अगर मैचअप पे चलें तो देखें नीतीश राणा और अक्षर पटेल का, अक्षर पटेल क्योंकि अगर हमने सुनील नारायण की बात की थी वहां से, तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं पिछले मैच आपकी टीम के लिए है, आज अक्षर पटेल भी हो सकते हैं, विकेट लेने के मामले में पीछे नहीं है अक्षर पटेल, और रन भी नहीं दिए इन्होंने, इकोनॉमी बहुत बेहतरीन है इनकी, यही तो खास बात है। अगर आप नीतीश राणा के अगेंस्ट बात करें तो सिर्फ 23 रन बनाने दिए इन्होंने नीतीश राणा, दो बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट भी लगाम लगा और एवरेज भी नहीं, और एवरेज भी नहीं है, तो उस लिहाज से यहाँ जो आंकड़ेबाज हैं, मतलब आंकड़े जो कहते हैं वो
मैं तो ये चीज नीतीश राणा शुभमन गिल के लिए भी कहूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ उस समय इतनी जल्दी शायद ही आएंगे नहीं गेंदबाजी करने के लिए, ओपनर है क्योंकि शुभमन गिल बस, तो उसके बाद में ही अगर वो टिक जाते हैं तो फिर देखते हैं। लेकिन अगर इसके साथ में मैच इनसाइट भी आपको बताई जाए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मैच इनसाइट देखी थी, अब चेस करते समय इस यूएई लेग में, अनुज मैं आपको रोकूंगा, अब बताइए कि ये जो स्टैट्स है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे यार क्या ही कहूँ, 100% विन रिकॉर्ड के सामने कोई कुछ कह थोड़ी सकता है, पर यही है फिर इस चीज के लिए यही है कि दिल्ली टॉस जीते और पहले ही बॉलिंग चूज कर ले बस। देखते हैं, बट मेरी टीम के जो तो मतलब इनको चेस करने आंकड़े जो हैं ये डराने वाले हैं। अगर दिल्ली खुदा ना खास्ता अगर टॉस हार गया तो शायद आधी बैटल जो है वो केकेआर पहले ही जीत जाए, हो सकता है ये हो, लेकिन हो सकता है आज ये जो रिकॉर्ड है यहीं तक बने रहे और टूट जाए इसके बाद में। उम्मीद ऐसी है नहीं वैसे, हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इकोनॉमी रेट जो है ये यही बात कर रहा था, डेथ ओवर्स में एक और जो कंसर्न है आपकी टीम का, डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा खराब एक इकोनॉमी रेट जो है 10.220 का, जबकि आपके पास रबाडा है, आवेश खान, ये तीनों ने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, तो उस लिहाज से अगर आपकी टीम इस इकोनॉमी रेट के साथ इस एवरेज के साथ रन लुटा रही है तो ये बहुत मतलब चिंता की बात है। चिंता की बात तो है ही, और कगिसो रबाडा की अगर बात करें उस तरीके की झलक दिखी नहीं है पिछले आईपीएल के, अगर कंपेयर करें तो बड़ा नॉर्मल सा एवरेज सा जो आईपीएल पिछली बार मुझे याद है अनु जब दुबई में आईपीएल हुआ था तो रबाडा और नोकी ने कहर बरपाया था बिल्कुल, जो उस तरह की ठीक है इन्होंने पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन उस तरह का जो खौफ है वो पैदा नहीं कर पाए। आवेश खान को इनका सपोर्ट मिला है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है आवेश ने, अब देखना यह है कि अब जो नॉकआउट मुकाबले हैं उनमें किस तरह की गेंदबाजी रबाडा नोकिया और आवेश करते हैं, तीनों की तिकड़ी। ये एक और आंकड़ा है जो आपको शायद परेशान करेगा, कर ही रहा है, मिडिल ओवर में 7.61 का स्कोरिंग रेट जो है सबसे बेहतरीन रहा है केकेआर का। अब मिडिल ओवर में अगर इनको मौका मिल गया तो फिर तो धुआं धुआं कर सकती है केकेआर की टीम, लेकिन ये है कि केकेआर में फिर मिडिल ओवर में मेरी टीम रन बना रही है, आखिरी ओवरों में रन आपकी टीम खा रही तो है, बचा कहां तो रही बचा है? क्या बचा कहां रहे हो भाई बताओगे? नहीं ऐसा नहीं है, तो नंबर वन टीम रही है, आप देख लो भले आप वो मिडिल ओवर की बात करो लेकिन उसके बाद में यही है एट द एंड, ये आंकड़े भी आपकी नंबर वन टीम के ही है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े आपकी नंबर वन टीम के है, तो यहाँ भी एक बार पढ़ रहा मैं कहूंगा केकेआर के साइड झुक जाता है। अब आगे चलते हैं, अब ये देखिए यहाँ शारजा का है, ये जो टीम बैटिंग पहले करी है वो 3 बार जीती है और जिस टीम ने चेस किया है वो 6 बार जीता है, इससे कॉमन हो जाता है एक चीज, और वैसे भी अभी हम देखते आ रहे हैं इसमें 500 हमारी टीम का है, हाँ 5 out of 5 तो हमारी टीम का है केकेआर, कोलकाता नाइट शारजा का रिकॉर्ड है ये, हाँ? ये मतलब यूएई में 5 बार चेस करते हुए केकेआर ने जीता, लेकिन शारजा में खेलने वाली टीम है, और हाँ कुछ तो वहाँ पे मैच खेले ही होंगे ना केकेआर, तो फिर उनका रिकॉर्ड भी इसमें शामिल है, और पिछला मुकाबला जीत के आ रहे हैं वो भी चेस करते हुए, यार ये तो है, और पिछला मुकाबला तो हम हार के आ रहे हैं, और पिछले का अभी तक के आंकड़े जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे साइड वाली टीम है या मेरे करीब जो टीम है उसके आंकड़े बेहतरीन है, और आपकी टीम को मतलब आउट एंड आउट रूल आउट कर दिया बिल्कुल यार, बाहर ही कर दिया सीधा अभी आप लोगों के हिसाब से, ये चीज जो है ना ये चीज आंकड़ेबाज में नहीं डिसाइड हो सकती, इसको इसकी चीज आपको मालूम है कि ये आंकड़े ठीक है लेकिन डिसाइड हो सकते जो आंकड़े कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, नहीं ये बोलते। तो है आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और लेकिन जो सबसे बड़ा सच बोलता वो तो है ठीक है आपके पास दिव्य शक्तियां हैं तो दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करिए और देखते हैं क्या पता शायद आज दिव्य शक्ति भी मेरी टीम के साथ हो जाए, आपकी टीम के आके आसन ग्रहण कीजिए अपना और दोहरा अवतार जो है आपका आंकड़े बाद से अब बाबा में तब्दील हो जाइए और आपका चोला ये लीजिए, चोला आ गया बाबा जी का, अब मैं भी अपनी आंखें बंद करके घुमा देता हूँ, ये मैंने जगल कर दिया जैसे। अब आप हाथ अपना रख सकते हैं जिस भी टीम पे रखना है, अब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि बाबा जी की दिव्य शक्तियां जो है वो वापस आ चुकी हैं, तो जिस टीम पे हेलमेट पे हाथ गया उस एक बार और सफल कर दूंगा, एक बार और ये हो गया सफल आपका।
अब जिस टीम के ऊपर भी बाबा जी हाथ रखेंगे उस टीम की किस्मत के दरवाजे जो हैं वो खुलने वाले हैं, तो अब आप हाथ रख सकते हैं। और ये देखिए, और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं सजग उधर से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, पसंदीदा टीम है कि पूछिए मत यार, उनकी मतलब पसंदीदा टीम है। बाबा जी पे यकीन हाँ शायद अब सबको होने लगा है। अब देखते हैं इस ये यकीन कहाँ पर तो जाके बदलता। मैं कह रहा हूँ कि जो आंकड़ेबाज थे आज उनको तो बाबा जी का साथ भी मिल गया है। तो आज की विजेता टीम बाबा जी ने चुनी है KKR। अब देखते हैं मैच के बाद क्या होता है। बाबा जी वो देख लीजिए मैच के बाद जो भी होता है, लेकिन मैं तो अपनी टीम का साथ दे रहा हूँ। आज मेरे लिए पसंदीदा जो है वो ये होगी। तो मैं भी पहन लेता हूँ, इसमें क्या है, मेरी टीम भी आज खुलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमें बस एक एक भाला और पकड़ा दीजिए, हम इसी को युद्ध का मैदान बना लेते हैं। ठीक है हाँ बिल्कुल, बल्ला गेंद बल्ला नहीं माइक है ये तो गरबा हो रहा लग रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो स्टैट्स हैं यहाँ पे पसंद आए होंगे, क्योंकि आज आखिरी एलिमिनेटर है और आज जो भी टीम जीतेगी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल मुकाबला 15 तारीख को, यानी कि परसों जो फाइनल होगा IPL का। और देखने वाली बात होगी कि क्या नया नकली सपोर्टर है। देख लीजिए हेलमेट निकाल दिया, मैंने अभी भी हेलमेट पहन रखा है। नहीं तो दिल के तो करीब है ना, तो दिल के करीब है तो हेलमेट को सर पे लगाते हैं, तो दिल के करीब तो थोड़ी अपने लगाई है, तो क्या मैं सिर पे ऐसे लगाए लगाए थोड़ी घूमेंगे पूरे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और आंकड़ेबाज को आज बाबा जी का साथ भी मिल गया है। हालांकि बाबा जी अब दिल्ली का हेलमेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने साथ KKR का ही दिया है, तो उम्मीद है कि आज KKR जीत के साथ फाइनल में जाए। और आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे ऐप को भी डाउनलोड जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ HowsThat ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।